नीट का पेपर लीक करने वाले लोग कौन थे? क्या पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया? ये टेंशन बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स को है जो इस बार अपीयर हुए हैं नीट 2024 एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी न्यूज़ देने वाली हूँ जो आज पेपर में टाइम्स में पब्लिश हुई है, तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइस, पेपर लीक हुआ है पटना में और बिहार पुलिस इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट भी कर रही है और ये पता लगा है कि कुछ मेडिकल एस्पिरेंट्स ने 30 लाख से 50 लाख रुपए तक दिए हैं उन ब्रोकर्स को जो इस रैकेट में इन्वॉल्व हैं और उन क्वेश्चन पेपर्स को पाने के लिए, जो कि मई 5 को नीट एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को पाने के लिए उन लोगों ने 30 से 50 लाख रुपए तक दिए हैं। इस केस की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कर रहा है बिहार पुलिस का और इसने सेवरल डॉक्यूमेंट्स और बैंक चेक्स और उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर सीज कर लिए हैं फ्रॉम द फ्लैट्स ऑफ नितीश कुमार एंड अमित आनंद, जो कि एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म चलाते थे जो कि स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करती थी, और इन दोनों को अरेस्ट भी कर दिया है, नितीश कुमार और अमित आनंद को। और अब तक 13 पीपल को अरेस्ट कर लिया है जिसमें से 4 तो एस्पिरेंट्स हैं और 3 पेरेंट्स हैं और 2 एसोसिएट हैं जो अमित के साथ काम करते थे, और ये मंडे से इनकी रिमांड शुरू होगी जिनसे जब इनसे पूछताछ शुरू होगी मंडे से। ओके, मानवजीत सिंह ढिल्लो जो कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट के, उन्होंने बताया कि जो कैंडिडेट्स को जिन एस्पिरेंट्स को अरेस्ट किया गया है उसमें 35 उन्होंने बताया कि 35 मेडिकल एस्पिरेंट्स थे, उन्हें एक अपार्टमेंट में ले जाया गया था लर्न बॉयज हॉस्टल के जो कि पटना के रामकृष्ण नगर लोकेलिटी में है, जहां उन्हें नीट का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया। और एस्पिरेंट्स ये बात कह रहे हैं कि जो पेपर उन्हें प्रोवाइड किया गया था वो एक्चुअल नीट क्वेश्चन पेपर से सिमिलर ही था और उन्हें ये पेपर एक दिन पहले ब्रोकर द्वारा प्रोवाइड किया गया था। और डीआईजी सर ने ये भी कहा कि हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे कि हमें उन सारे स्टूडेंट्स की डिटेल बताई जाए जिनके रोल नंबर्स को हमने फ्लैट में हमें फ्लैट में जिनके रोल नंबर्स मिले और जिन्होंने वो लीक्ड पेपर देखा है, तो हम डिटेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं। तो गाइज, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुलिस इतनी एक्टिव हो गई है, वो किसी एक स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ेगी जिसने इसमें इसका फ़ायदा उठाया है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है और जैसा कि मैंने बताया 13 लोगों को अब तक अरेस्ट किया जा सका है जिसमें 2 तो की एक्यूज्ड हैं जो कि इस रैकेट को चला रहे थे, उनके 2 हेल्पर्स हैं, एड्स हैं, और 4 एस्पिरेंट्स हैं और 3 पेरेंट्स हैं। तो गाइस, ये पूरी कोशिश करी जा रही है कि ये एग्ज़ाम पूरी तरह फेयर हो एंड आई होप नेक्स्ट आर्टिकल में सारे जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं उन तक पुलिस पहुंच जाएगी और उन सारे लोगों को, उन सारे रोल नंबर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अच्छे से पेपर दिया है एंड इफ़ यू डिज़र्व इट यू विल गेट सिलेक्टेड, यू विल गेट गुड मार्क्स, डोंट वरी। बाय बाय।